इंडियन क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के वाइस कैप्टन रहे हार्दिक पांड्या, अब T20 कैप्टन नहीं रहे। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया। उनके साथ रिटायरमेंट के बाद ही तय था कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अगले T20 कैप्टन बनेंगे, लेकिन श्रीलंका के टूर पर इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को ना देकर सूर्य कुमार यादव को दे दी गई है। हार्दिक को कैप्टन ना बनाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर से लेकर हेड कोच गौतम गंभीर को खूब ट्रोल किया जा रहा है। गौतम गंभीर पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं और कोई हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी ना देने की वजह जानना चाहता है। आखिरकार टीम के सिलेक्शन के करीब एक हफ्ते के बाद हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी नहीं देने की वजह का खुलासा खुद हेड कोच गौतम गंभीर ने कर दिया है। सोमवार को टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक को कैप्टनसी ना देने के सवाल को लेकर साफ कहा कि हार्दिक पूरी तरीके से फिट नहीं रहते हैं, ऐसे में कैप्टनसी फिट और टीम के सबसे बड़े प्लेयर सूर्य कुमार यादव को दी जा सकती है। गंभीर ने कहा कि जो सभी मैच खेले हमने सोचा कि सूर्या सही ऑप्शन थे, वो T20 का बेहतरीन प्लेयर है, उसने खुद को साबित किया है, उसके पास सही टैलेंट है कैप्टनसी करने का, इसलिए हमने उसे कैप्टनसी दी है। हम ऐसे प्लेयर को कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सके। हार्दिक एक बहुत ही अहम प्लेयर हैं, उनका कौशल दुर्लभ है लेकिन फिटनेस स्पष्ट रूप से एक चैलेंज है और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी कप्तानी करे जो हर समय अवेलेबल रहे। गंभीर के इस रिएक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।